दोस्तों आरएमएस टाइटैनिक हिस्ट्री से आज तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक लग्जरी स्टीमशिप जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक आइसबर्ग से टकराने के बाद 15 अप्रैल 1912 में उत्तरी अटलांटिक में न्यूफाउंडलैंड के तट पर रुक गया। जहाज में सवार 2240 यात्रियों और चालक दल में से 1500 से अधिक लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी। टाइटैनिक मूवी हम सब ने ही देखी है। इसके अलावा इंटरनेट पर टाइटैनिक के बारे में बहुत सी वीडियोस एंड आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। वैसे तो टाइटैनिक के डूबने के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेवार थे, पर आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 7 ऐसे मेन फैक्टर्स जिनके कारण टाइटैनिक डूबा और जिनके कारण ये जहाज हिस्ट्री की एक दुखद ट्रेजेडी बनकर रह गया। नंबर 1, क्रिटिकल आइसबर्ग वार्निंग को मिस करना। ऐसा कहा गया है कि सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को आइसबर्ग के बारे में लास्ट क्लियर वार्निंग नहीं दी थी। दरअसल जो मैसेज रेडियो ऑपरेटर फिलिप ने कैप्टन को भेजा था उसमें MSG यानी मास्टर्स सर्विस ग्राम इंक्लूड नहीं था, जिसके कारण कप्तान ने इसे पर्सनली एक्नॉलेज नहीं किया। अगर ये MSG इंक्लूड होता तो कैप्टन एडवर्ड खुद मैसेज को एक्नॉलेज करते और आइसबर्ग की वार्निंग को क्रिटिकली हैंडल करते। नंबर 2, रॉन्ग टर्न। जहाज के सबसे सीनियर सर्वाइविंग ऑफिसर चार्ल्स लाइटोलर की ग्रैंड डॉटर लुइस पैटन का दावा है कि लाइटोलर ने अपनी पत्नी को बताया था कि फर्स्ट ऑफिसर विलियम मैडॉक द्वारा पहली बार आइसबर्ग देखे जाने के बाद एक चालक दल के सदस्य ने जहाज को गलत तरीके से और भी आइसबर्ग वाली दिशा की ओर मोड़ दिया था। असल में आइसबर्ग देखे जाने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने हार्ड ऑन स्टारबोर्ड का ऑर्डर दिया था। टाइटैनिक उस वक्त टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम कर रहा था। हार्ड ऑन स्टारबोर्ड कमांड जहाज को मोड़ने के लिए यूज की जाती थी। इस कमांड में जहाज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ घूमता था, जिससे कि जहाज सही दिशा में टर्न होता था। पर जब तक फर्स्ट ऑफिसर को अपनी गलती का पता लगता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था। नंबर 3, क्लाइमेट ऑफ 1912। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे समाचार पत्रों ने टिप्पणी की कि उस वर्ष उत्तरी अटलांटिक विशेष रूप से बर्फीला था। हाल ही में सन 2012 में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन ने दावा किया कि उस रात जब टाइटैनिक डूबा एक रेयर लूनर इवेंट के दौरान वो आइसबर्ग टाइटैनिक के पाथ में आ गया। पृथ्वी असामान्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के करीब थी, जिससे ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती थी, जिससे लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड के तटों पर फंसे आइसबर्ग तैरने लगे होंगे। नंबर 4, वीक शिप बिल्डिंग मटेरियल। मटेरियल साइंटिस्ट टिम फोके और जेनिफर हूपर ने दावा किया है कि जहाज के बो और स्टर्न की ओर स्टील प्लेटों के एक साथ रखने वाले टुकड़े लो क्वालिटी आयरन राइवर्ट से बने थे, जो कि टकराव पर अधिक आसानी से टूट सकते थे। नंबर 5, टाइटैनिक की तेज रफ्तार। कई टाइटैनिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि जहाज के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ व्हाइट स्टार कंपनी में टाइटैनिक के बड़े भाई कहे जाने वाले ओलंपिक शिप को पार करने के समय को बीट करना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना ये था कि टाइटैनिक आइसबर्ग की चिंताओं के बावजूद पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, जो कि कप्तान एडवर्ड स्मिथ की सबसे बड़ी गलती थी। टाइटैनिक और अन्य व्हाइट स्टार शिप वेबसाइट के वेब मास्टर मार्क निकोल कहते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो टाइटैनिक बर्फ वाले क्षेत्र में बहुत तेजी से यात्रा कर रहा था, एंड इट वॉज अ फैक्ट। नंबर 6, जहाज पर कम लाइफ बोट्स का होना। शायद सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि टाइटैनिक के 2200 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सभी सदस्यों को डूबने से बचाने के लिए इनफ लाइफ बोट्स नहीं थी। ये स्टारलाइन शिप कंपनी का कॉन्फिडेंस था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। असल में स्टारलाइन ने टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहकर पोर्ट्रे किया था। जिस वक्त टाइटैनिक डूबा
उस समय सिर्फ 1060 लोगों को बचा सकने वाली लाइफ बोट्स अवेलेबल थी, जबकि स्टाफ मेंबर्स को मिलाकर उस वक्त जहाज पर 2200 से भी अधिक ज्यादा लोग मौजूद थे। नंबर 7, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि कम दूरी तक दिखना। टाइटैनिक पर आई त्रासदी में एक और कारक जो काफ़ी हद तक जुड़ा था वह था शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे ही जहाज न्यूयॉर्क के रास्ते में साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, ऑफिसर्स में फेरबदल हुआ। इस स्विच के दौरान जो ऑफिसर पहले वॉच टावर से निगरानी कर रहा था, वो अपकमिंग ऑफिसर को बायनोकुलर्स यानी दूरबीन की केस देना भूल गया था। ये छोटी सी गलती इस बड़ी घटना का कारण बनी। टाइटैनिक ट्रेजेडी बहुत से लूप होल्स और फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन से हुई, जिनमें ह्यूमन एरर्स, ओवर कॉन्फिडेंस और डिजाइन संबंधी खामियां शामिल थी। ये डिजास्टर इतना बड़ा था कि आज तक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी और एक्सीडेंट है जो कि आज भी हम सब के इमोशन से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।